खाने में दोनों को जहर डाल के सुला दूंगी, आराम चल जाना बेटे के पास। जब लड़के आते तो आवारा करती है, और क्या है ये, इतना लड़ते करती है। ज्यादा करे ना, ऐसे बोलेगा ना कुछ भी लगा दूंगी, केस ठोक दूंगी, दहेज केस में डाल दूंगी, बस अपना कुछ करो। जोर का रेपटा मारूंगा, हाथ नीचे कर ले अपना, समझ आ रही है? बीच में क्यों आया? कर रही है, पड़ मारूंगा ना जब से ऐसे कर रही है। इसके साथ ना तुम्हें मैं ढकेल दूंगी जेल में। क्या करेगी फिर? बट तेरे समझ नहीं आ रही, नहीं कर रहे वो, नहीं कर रहे, टच मत, हाथ नीचे, हाथ नीचे। राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल मेरे भाइयों की? उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई लोग होंगे बढ़िया, और हमेशा बढ़िया रहना चाहिए। और भाई कोरोना दोबारा से आ रहा है तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। हम सिर्फ शूट के टाइम पे मास्क वगैरह नहीं पहनते, नहीं तो उसके बाद हम सैनिटाइजर वगैरह सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो प्लीज़ आप भी रखो, अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का, जितने भी आपके घर में छोटे बड़े, प्लीज़ उनका ध्यान रखो। और आज है हमारे साथ अंकल जी, और अंकल जी मेरे को कब कहाँ कैसे मिले वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अंकल की जी के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है वो जब आप सुनोगे ना तो आप खुद तहस-नहस रह जाओगे, क्योंकि इनकी एज आप देख के समझ गए होंगे कि काफ़ी एजेड है, मतलब बहुत बड़े हैं, ठीक है, मतलब मेरे पापा से भी बड़ी उम्र के हैं, तो बोलने का मतलब है कि दादाजी की उम्र के। तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है इनकी बहू को लेके, तो एक बार अंकल प्लीज़ आप बताओगे हमारे सामने कैमरे में सारे भाइयों को प्लीज़। हम एक, हमारी एक फैमिली है जिसके अंदर मेरा एक बेटा था। अच्छा। इत्तेफाक से कहना मतलब उसकी डेथ हो गई है। अच्छा। अब एक हमारी बीवी है जो बीमार रहती हैं, मुझसे ज़्यादा एजिड हैं। अच्छा, आपसे बड़ी हैं वो? उससे बड़ी, मतलब तबीयत खराब रहती है, तबीयत खराब रहती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा मुझे ही करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा। और जो बहू है क्या नाम इसका, मेरे बेटे की डेथ के बाद में बहू ने क्या नाम इसका जो हालात पहले थे वो हालात बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अच्छा। उसने क्या नाम इसका मुझे क्या नाम इसका घर के अंदर क्या नाम इसका परेशानियाँ शुरू कर दी हैं। अच्छा। ना तो वो अपनी सास की देखभाल करती है और मेरी तो बिल्कुल परवाह करती ही नहीं है। अच्छा। इत्तेफाक से क्या नाम इसका वो बाहर भी जाती है, क्या नाम इसका बाहर जाने के साथ साथ क्या नाम बाहर जाती है, पर यह मैंने उसको टोकने की कोशिश करी है, कहते हैं अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, अगर तुमने ज़्यादा मुझे रोकने की कोशिश करी तो क्या नाम का तुम्हारे साथ भी क्या नाम इसका गलत व्यवहार और ज़्यादा किया जाएगा, और जिनके साथ मैं बाहर जाती हूँ क्या नाम इसका उनको भी क्या नाम इस उनको भी जो है हम घर पर भी बुला सकते हैं, इस बात का आप ख्याल रखो। अच्छा। और अपने उम्र जो तुम्हारी गुजर रही है उसको गुजारो, अपना आराम से रहो, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। अच्छा। तो ये तो मैंने उसको टोका, टोकने के बाद उससे काफ़ी समझाया पर वो समझ नहीं रही है, और उल्टा मुझे कहना है खाने से भी परेशानी है। अच्छा। और जी सास की तो अपनी ख्याल करती ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा, उनको माँ की तरह समझती नहीं, उसकी माँ की समझती ही नहीं है क्या ना उसका। अच्छा। और उसको देखने के साथ में ऐसा लगता है क्या नाम है कि जी बाहर ये किसी से मिलती है। अच्छा। जो आपने मेरे को बताया था कि एक बारी घर में भी किसी को लेके आई थी तो उस बात पे कलेश हुआ था, वो क्या बात था, मतलब वो क्या सीन था आपके घर का? उसने कहा कि ये मेरा क्या नाम है, उसने जिसको लेकर के आई थी, मैंने उससे पूछा क्या नाम है, मैंने उससे पूछा कि तुम इसको क्यों लेकर के आई हो, कि मेरा कजन है ये। अच्छा जी। मेरा कजन है क्या? कजन तो भाई हुआ, कजन भाई हुआ क्या नाम इसका। हाँ। मैंने कहा शादी के पहले या शादी के बाद में तो कभी हमने इसको देखा नहीं घर पे। अच्छा। और तुम इसको लेकर आई हो, ऊपर से कहती है कजन है क्या नाम इसका। देखो ये चीज़ जो है गलत है, उस चीज़ से बाज आ जाओ, अपने आप को सही रखो। फिर उसने मेरे ऊपर और मुझे टॉर्चर करना उसके बाद शुरू कर दिया। अच्छा। तो आपने वो बोला कि अभी मतलब कल परसों रात भी आप कह रहे थे कि लड़ाई हुई है प्रॉपर्टी के पेपरों को लेके, तो वो स्पीच में क्या मतलब क्या बोलती है आपको, क्या हाथापाई भी करती है वो? हाथापाई करने की कोशिश उसने एक बार की थी, तो उसने कहती है जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे नाम है, तुम उसको मेरे नाम कर दो। मैंने उससे कहा क्या नाम इसका जब मैं उसको बेटी कहता हूँ, बेटी है वो, बोटी बेटी होती है, ठीक है, तो मतलब है कि मैंने उससे बोला कि जी क्या नाम प्रॉपर्टी तो मेरे बाद में तुम्हारी है, बेटे की तो डेथ हो गई है, तुम्हारी आप ही है, बच्चे आप ही हो। हाँ, बच्चे आए तो तुम ही हो क्या, तुम ही उसकी मालिक हो क्या नाम इसका। नाम करने से क्या होता है कि नाम करने से बहुत कुछ होता है, तुम नहीं जानते, तुम उस प्रॉपर्टी को मेरे नाम कर दो क्या नाम इसका। और जी मैं मतलब ये है क्या नाम इसका, अगर प्रॉपर्टी तुमने मेरे नाम नहीं की तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्शन अपनी तरफ से भी ले सकती हूँ जिससे कि तुमको नुकसान होगा, मोहल्ले के अंदर तुम्हारी इज्जत ही नहीं रहेगी। मैं कहा मोहल्ले की इज्जत तुमने पहले ही ख़राब कर रखी है, अब क्या करेगी वो? तो मतलब आप खुद यार समझ सकते हो, आप खुद बहुत ज़्यादा समझदार हो कि अंकल जी मतलब वो बातें नहीं बता पा रहे, लेकिन आप खुद समझ जाओ कि कज़न भाई तो ये सारी चीज़ें बहाना होती हैं, हाथापाई करती है। अंकल की आप उम्र देख सकते हो यार, तो इनकी इज्जत करने की जगह इन पे हाथापाई होगी तो फिर इनके ऊपर क्या ही गुजरेगा। इनकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है तो घर पे खाना पीना जो भी होता है यही सब कुछ यही संभालता है।
तो अब खुद करना पड़ता है। तो आज हम उनकी वाइफ के साथ जो इनकी मतलब अपना जो भी है अपनी बहू है उनके साथ मिलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, उनको पहले समझाने की कोशिश करते हैं कि यार पहले ऐसे मत करो, देखते हैं वीडियो में क्या होता है। अंकल जी आप उनको फोन करके यहाँ पे बुला सकते हो? हाँ मैं बुलाता हूँ। ठीक है। स्पीकर होता है अंकल? स्पीकर पे होता है फोन? हाँ हेलो निशा बेटे। हाँ बोलो बेटे क्या काम है तुम्हें? तुमने अपनी आवाज़ को सही करो पहले तो, समझे? आगा मुझसे कुछ अगर लेना है तुम्हें तो अपनी आवाज़ को सही करो पहले तो, आवाज़ नीची रखो। तुमने काम मेरे तेरी लाइफ तो क्या ना तेरे हमारे बेटे के मरने के साथ ही खत्म हो गई थी। तो जो प्रॉपर्टी है क्या नाम का जिसके, तो पार्क में आ जाओ ना तुम। ऐसा करो मैं पार्क में आया हुआ हूँ, घर के बारे में पार्क है, तुम पार्क में आ जाओ, उस प्रॉपर्टी के बारे में हम यहीं बैठ के बात करते हैं। हाँ ध्यान से आना, तमीज से बात करना। हाँ भाई अंकल जी का फ़ोन स्पीकर नहीं होता, शायद आप तक थोड़ी बहुत आवाज़ आई होगी। जैसे वो बात कर रही थी ना तो बहुत बदतमीजी से बात कर रही थी, इतने गंदे व्यवहार से बात कर रही थी। तो अभी अंकल जी को मैं माइक दे देता हूँ, वो आप अंकल जी उनसे बात करो, जो भी आप बात करोगे सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, तो आप एक बारी बात कर लेना फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है आ जाओ। हाँ सर क्या बोलते, बोलो क्यों बोला? मैंने तुमसे कहा था ना। क्या कहा था? मैंने ये कहा था तमीज से बात करना। क्या तमीज से बात करूं? तमीज से बात तो करेगा ना मेरे नाम, तो क्यों तमीज से? प्रॉपर्टी तेरे नाम करने से क्या फायदा होगा? क्यों नहीं करोगे? मेरे नाम प्रॉपर्टी मेरे नाम है ना। बेटा मर गया, बेटा मर गया वो तो तेरी अपने अपने आप ही हो जाएगी। और तू कभी किसी कजन को लेके आती है तो क्या ना लेके आऊं? तेरे सेवा में लगी रही हूं। और कैसे बुढ़िया के सेवा में लगूं, तेरे सेवा में लगूं, क्या करूं? बुढ़िया की सेवा कर जो तेरा काम है करने का। तू प्रॉपर्टी नाम कर दे सब कुछ करूंगी, प्रॉपर्टी ने मेरे नाम कर मैं सब कुछ करूंगी। प्रॉपर्टी नाम करने से क्या होगा, तो मेरे बाद ही तेरी ही। अरे तेरे मैं तेरे बाद ही है, तुझसे अच्छा तेरे रहने से मेरे कर देना। देखो ऐसा पहली बात तो यह है, तुम इस बात को समझने की कोशिश करो कि अपने आप को सुधारो। ये जो तुम क्या ना किसी को कजन को लेके आती हो, अभी क्या नाम का तुम मेरे लड़ाई करती हो, क्या नाम इसका? कैसे लड़ेगी, किस लड़ाई? मुझसे मांगने तीन टाइम का खाना मुफ्त नहीं, नहीं तो मुफ्त में नहीं, क्या तेरे को पैसा नहीं मिलता, क्या पेंशन नहीं मिलती क्या? मैं मेरे नाम प्रॉपर्टी करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा तो मैं तेरी ना बुढ़िया को खाना दूंगी ना तुम्हें दूंगी, मेरी मर्जी जो मेरी मर्जी हो वो करूंगी। तुम क्या नाम इस, तुम जो है पहले अपने आप को सुधारो। ये जो तुम लड़के को लेकर आती हो ना, क्या नाम इसका, पहले तो उसका सही पता बताओ, वो कौन है जिसको तुम कजन कहती हो? वो कजन है, बताया तो कजन है, कितने बार सुनाई नहीं देता मुझे तुम्हें? अच्छा सुनाई नहीं देगा, कान के पर्दे फटे हैं। तो प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी से क्या करोगी तुम फिर? ऐसे तो तुम सुनाई नहीं देता, प्रॉपर्टी नाम से बड़ा सुनाई देता है तुम्हें। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लगा रखा नाम करेगा या नहीं करेगा? तेरे मरने के बाद किसका है, मेरा है ना, तू ही बोलता है ना मेरे मरने के बाद तेरा है, तो ठीक है ना फिर अभी कर देना मेरे नाम पे, क्या जा रहा है तेरा? तो तुम क्या करोगी उसका, तुम क्या करोगी? तुम कागज रख लो, तेरी उम्र है, तेरी उम्र है, तो मेरी मेरी उम्र मेरे पास मेरी है, मेरा नाम कर दे बस। आप प्रॉपर्टी नाम करने से क्या मतलब, तुम जो है कहना होगा आवारागर्दी करती हो ना, पहले तो इसे खत्म कर पहले। आवारागर्दी करती है ना, ना खाने में जहर मिला के सुला दूंगी अच्छे से। जो आवारागर्दी है ना ये तेरे इसे लड़के नहीं करते, घरों में रहने वाली सारे मोहल्ले के अंदर तूने बेइज्जती कर दिया, यहाँ पर मोहल्ले वालों ने कहना शुरू कर दिया। मोहल्ले वाले घर मेरा है, तुझे रहना तो मेरे हिसाब से रहना होगा। मोहल्ले वाले का जाकर बोलो कि बुढ़िया को भी खाना दे, तुम्हें भी खाना दे, मोहल्ले का सुने। मेरे पास तो मेरी प्रॉपर्टी है, घर में रहेगा ना प्रॉपर्टी मेरे नाम। प्रॉपर्टी तेरे नाम कैसे होगी? तू मेरे नाम ही करेगा, तू मेरे नाम करेगा फिर क्या करोगे तुम? क्या करूंगी पता नहीं तुम्हें कि मैं क्या कर सकती हूं। क्या करो बताओ, तुम्हें नहीं पता मैं क्या? बताओ क्या करोगे? खाने में दोनों को जहर डाल कर सुला दूंगी आराम से, चल जाना बेटे के पास। तो हम तो जानेंगे एक दिन, हमें क्या प्रॉपर्टी अपने आप हो जाएगी फिर तो। अरे तू ऐसे कर ले, तू ऐसे कर ले, क्या कर दूं? ऐसे कर ले, क्या कर दूं? अपने आप बंद हो जाएगी ऐसा ना। हाँ देख ऐसा ना, आराम से बैठ, बैठ के बात कर। मैंने बैठ ली, बैठ के बात कर पहले, पहले बैठ के बात कर आराम से। तुझसे कहा था तभी इससे बात करने के लिए, मुझसे मांगती भी है, मुझसे प्रॉपर्टी मांगती है, मेरे साथ बदतमीजी करती है, बदतमीजी करती है मेरे साथ में, मेरे साथ बदतमीजी करती है। ऊपर से पहले प्यार से, पहले आराम से बात कर। के बात तो मैं ही हूँ ना, तो तू कर देना मेरे नाम। तो मेरे बाद में तेरी है, मैं तेरे जब तेरे बाद तेरे रहते मेरे कर देना, क्या दिक्कत है तुम्हें बुड्ढे?
तुम्हें रोटी चाहिए, चुपचाप रोटी खा। अगर तेरे आचरण सुन, रोटी अगर तेरे आचरण से, तेरे आचरण सही होते ना, ये तेरे आचरण अगर अच्छा सही गरम ये सब तेरे आचरण सही होते ना, मैं सब कुछ तेरे को दे देता। आचरण सही है मेरा, तू आचरण क्या बुढ़े, चुपचाप बैठे रहा आराम से, कम दिखता है, भजन कीर्तन में लगा, ध्यान मत दे कि मैं कहाँ जाती हूँ क्या करती हूँ। मैं भजन कीर्तन करता हूँ अपने, तुम अपना भजन कीर्तन करती हो ना, उल्टे से तो उल्टे सीधे आज भजन कीर्तन करती है, तभी तो प्रॉपर्टी तेरे नाम करने से बच रहा हूँ मैं। ऐसा है? अगर तुमने प्रॉपर्टी खराब कर दी, अगर नहीं करेगा ना प्रॉपर्टी तो बुढ़िया को सुला दूंगी ऐसी। तो सोनी एक दिन सोएगी तो सो जाएगी, पर यह है कि तो प्रॉपर्टी अपनी क्या नाम इसका तो बर्बाद कर देगी, मैं इसलिए नहीं करता। क्या करूंगी मैं है? तो बर्बाद कर देगी, मेरा नाम हो जाएगा, मैं कुछ करूं। क्योंकि तेरे को आवारागर्दी करने की आदत है। आवारागर्दी करूं तू, देखता है आवारागर्दी करते, जब लड़के आते हैं तो आवारागर्दी, और क्या है ये, लड़के हैं तो आवारागर्दी हैं, ये तो क्या छिनाल औरतें करती हैं। ज्यादा लगाम दे मुंह पे, लगाम किस बात की, बेटी बोल रहा है छिनार तो तेरे आचरण देख करके बोल रहा हूँ ना, बेटी बोल रहा है छिनार। हाँ ये छिनार तेरे आचरण ऐसे, तेरे आचरण है ना, ज्यादा करे ना ऐसे बोलेगा ना, कुछ भी लगा दूंगी, केस ठोक दूंगी, दहेज केस में डाल दूंगी, बस प्रॉपर्टी ना दे। मांगे नहीं, कौन से सबूत है तेरे पास, क्या सबूत है तेरे पास, क्या सबूत है, क्या सबूत है तुम्हारे पास, क्या सबूत है? हम तो तेरे को वैसे लेके आ गए तीन कपड़ों में, तुम्हें क्या सबूत है? बेटे ने तेरे को ले आया, क्या नाम इसका, क्या सबूत है कि मैं आवारागर्दी करती हूं? मैं ना तो अगर केस कर दूंगी ना बुड्ढा बुड्ढी, अभी जो बेड पे है ना तू भी है ना, दोनों जेल में चक्की काटेगा आराम से, जो बेड घर में पड़ा रहता है ना आराम से जेल में अच्छे से चक्की काट। मेरे आराम से पड़े रहने से मेरी सर्विस से क्या ना सारा कुछ हुआ है, क्या सारा ये मकान सारा मैंने बनाया है, अभी जो तुम्हारा तुम्हें है ना कि मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा सर्विस का है, सब जेल में जाकर मैं अभी लगा दूंगी ना केस, कि ये हमें तो सताता है, इसका बेटा नहीं है, हमको कुछ हमको टॉर्चर करता है दूसरे का, तो तू समझ लेना ऐसा ना, टॉर्चर कोई भी इस बात को नहीं मानेगा तो मैं टॉर्चर करूंगा, तो तेरे को मानेंगे कि तू टॉर्चर करती है, तू भी नहीं जानते मैं बेचारी बन जाऊंगा सबके सामने, तू सोच ले बेचारी बनने का कोई यकीन कर लेगा क्या? टॉर्चर करने का जो तरीका है ना तुम्हारा, इस तरीके को सही करो, इसको अपना सुधारो, नीचे बैठ, बैठ के बात कर, ज्यादा बोलो मत, तो भी ना घर चल बताऊंगी तुम्हें, फिर क्या बताएगी मेरे को, तो पार्क में बुलाया किस लिए, ऐसा ना आराम से ना हाथ नीचे करके रखा कर, मेरे पर ना उंगली मत दिखाए, बेटा नहीं है ना, बेटे के पास पहुंचा दूंगी, ज्यादा बोलेगा तो हमने पहुंचाएंगे पहुंचने में क्या हो रहा है, बेटे के पास बैठ जा आराम से, मैंने बैठी प्रॉपर्टी बात करेंगे आराम से, प्रॉपर्टी के नाम करूंगा, प्रॉपर्टी का नाम करूंगा, बुला के अब भाषण सुना रहा है, लेक्चर दे रहा है, नहीं सुना मेरे को लेक्चर, मेरे पास बहुत काम है, प्रॉपर्टी लगा रहा है मेरे, मैं तो तुम्हारी तुम्हारा वजूद देखना चाह रहा था, क्या वजूद देखेगा, तो तुम्हारा तुम कहाँ तक गिर सकती हो, कहाँ तक गिर, इतना गिर गई है तो क्या नाम इसका, प्रॉपर्टी मांगा, दूसरे के दूसरों का सारा लेकर के क्या नाम, मेरे पर मुझे टॉर्चर कर रही हो, अभी कुछ किया नहीं है, कल धक्का डाल दूंगी ना मर जाएगा ऐसे गिर के, सही तुम मतलब मुझे टॉर्चर कर रही हो दूसरे के साथ देकर के, मेरे को क्या टॉर्चर कर रही है, टॉर्चर तो तू करता है मेरे को, टॉर्चर तू करता है कि ये कर ये कर, तू लेक्चर देने वाला होता कौन है बेटा, दो रोटी अगर पका लेगी तू कौन, मैं कौन, अब कोई नहीं मेरा, तो फिर मत रह यहां, चला जा अपने घर, मैं नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा है, ज्यादा करेगा तुम्हें निकाल दूंगी वृद्धाश्रम में, मेरे नाम है, क्या तेरा नाम, मेरा नाम है, जब भी कह रही है तो मेरा नाम कर दो, तो अपने अपने रूप से सवाल करेगी, कहूंगी गलत दादा ना बोलेगा तो गलत दबा के मार दूंगी, यहीं पे सीधा सीधा हो बैठ, चल यहीं पे मार दूंगी गले दबा के, ज्यादा बोलेगा बात कर, क्या तमीज से, तो बाहर में तमीज के ले ली मेरी जूती, तमीज नहीं करूंगी तमीज, क्या करूंगी तमीज, देखो ऐसा है यही तुम्हारी बातें है ना, तुमको नुकसान पहुँचाएंगी, जो करना था मैं तो बोलो ना, क्यों बोल रहे हो, रिकॉर्ड हो गया आपके ने बस, अपने पास रिकॉर्ड हो गया, झूठा केस लगा रही है, जो भी कर रही है, क्या झूठा केस लगा रही हो भैया, आप कौन हो, हो कौन बीच में क्यों चौधरी बनने आ गए हो, हम दोनों सास बहू का बच्चा है ना, तो क्या कर लेगा, हाथ लगाया क्या कर लेगा, जोर का रेपटा मारूंगा, मैं नहीं रेपटा मारूंगा तुम्हें, हाथ नीचे कर ले अपना, मजा आ रही है, बीच में क्यों आया, बीच में क्यों बाबा हिमालय बनने आया, नीचे तू है कौन, बैठ जा शर्म लड़की, नीचे बैठ जा, बैठ जा शर्म लड़की के बोले वाला, कर हाथ नीचे कर, समझ नहीं आ रही तेरे, जब से ऐसे कर रही है पड़ मारूंगा ना, जब से ऐसे कर रही है इसके साथ ना तुम्हें मैं ढकेल दूंगी जेल में, क्या करेगी, क्यों कर, तुम्हें मैं ढकेल दूंगी, अच्छा लड़की पे हाथ उठाता है, बेशर्म तू नहीं है, तू क्या कर रही है, मारने को तैयार है, जहर दे के मारने को तैयार है, जहर दे के मारने को तैयार है, उम्र कितनी है इसकी, उम्र कितनी है तेरा, कौन लग रहा है बाप की उम्र का है, मेरा बाप नहीं है, तेरा बाप लग रहा, बाप नहीं है ना, बस साइड ले, हम दोनों की बात है, साइड नहीं लूंगा तो क्या कर लेगी, क्या कर कुछ लेगी, भी कर लूंगी, क्या करेगी, ज्यादा बोल मत, तेरी औकात मैंने देख ली, दो कोड़ी की औकात नहीं है तेरी, तो समझ आ रही है, जिसकी औकात होती है ना वो कर लेता है, भूलता नहीं है, अरे छोड़, सुना है ना जो बादल गरजते हो, ओए किसको बुला रहा है, चल नीचे बैठ जा, किसको हिमायत निकल रहा है, पहले पहले हिमायत बना दूंगा, दो मिनट में ये तेरा क्या है, हाँ यही बना दूंगा, अभी पता लगेगा तुम्हें, अभी पता लगेगा, अभी पता लगेगा, सुन ले मेरी बात, अभी पता लगेगा, हाथ नीचे, हाथ हाथ, अब नहीं अब नहीं अब नहीं, बहुत हो गया, दो मिनट में समझ आ रही है, बहुत सुन ली मैंने, मैं तेरा मारने के सारे काम कर लिए तूने, क्या नाम इसका, क्या करेगी, हाँ
इसलिए बुलाया था मेरे को है? हाँ। वो देख, बुलाया था? ये ले तेरा माइक, ये जो तू बकवास कर रही है ना, कब का चुड़ैलो वाली, ये जो तू डायन बन के जो बात कर रही है ना, इनको टॉर्चर कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, वो देख सामने कैमरा, समझ आ रही है? फिर बट तेरे समझ नहीं आ रही? नहीं तेरे अब भी नहीं आई समझ इसको, इतनी बदतमीज हो रहा था, इतनी बदतमीज हो रहा था, क्या नाम इसका, इसने तंग करके रख दिया, यानी सबूत इसके सामने आ गए तब भी परेशान। पति मर गया तेरा? हाँ मर गया, तो क्या करूँ मैं भी, रू है रू फिर बैठ के। नहीं नहीं तेरे समझ नहीं आ रही, पति चुप हो जा बे, समझ नहीं आ रही तेरे, कब का इज्जत का समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रही तेरे, चूतिया है क्या? पति मर गया उसका अफसोस है? अफसोस मना लिया, अब क्या कर रही है, यारबाजी कर रही है? क्या यारबाजी कर रही है, वो क्या बोल रहे हैं तेरे को? वो ऐसे ही बोलते हैं, इनके दिमाग काम नहीं करता। अब तेरा दिमाग काम कर रहा है, करवाऊं तेरे दिमाग से काम? कौन सा कजन था तेरा, भाई था ना तेरा, कौन सा कजन भाई था, नंबर दे उसका, क्या बोल रही थी, दिखा। उसके पास फोन नहीं है फिर तेरे, एक मिनट, उसके पास फोन नहीं है, तेरे दिमाग में कुछ और है? कुछ नहीं है दिमाग में, तेरे दिमाग में कुछ और ही कीड़ा घूम रहा है, दो मिनट में कीड़ा निकाल दूंगा मैं तेरा, समझ आ रही है? प्रॉपर्टी नाम कर दो। नहीं कर रहे वो, इधर बात कर, नहीं कर रहे वो, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ ऊपर नहीं, हाथ नीचे, मेरे को मत सिखा मेरे को क्या करना है, चुप हो जा, शांति में रहे, दो मिनट में सारी ये जो गर्मा गर्मी है ना निकाल दूंगा, जो तूने बकवास करी है ना यहाँ पे, जो मैं जानबूझ के केस लगा दूंगी, अंदर कर दूंगी, ये कर दूंगी, फलान डंका, ये जो भी मार दूंगी, ये देखो यहाँ तक केस की प्लानिंग है। बेशरम माँ बाप नहीं है क्या तेरे? मेरे माँ बाप ऐसे नहीं है, मेरे बाप। तू कैसी है, तूने देखा है, तूने देखा अपना? नहीं नहीं तूने देखा क्या है, सिर्फ प्रॉपर्टी होती है क्या यहाँ पे हर संसार में सारी, और कोई चीज नहीं होती? समझा दिया, शर्म कर ले, मरने के बाद शर्म कर ले, क्या बोल रहे हैं तेरे को, शर्म कर ले, थोड़ी थोड़ी इज्जत ला अपने अंदर, दूसरा बेटा तो उसके जाएगी, मेरे मरने के बाद तेरी तो है। अपने माता पिता का नंबर दियो मेरे को, तेरा फोन लेके ना तोड़ दूंगा मैं यहीं पे, ओए तेरा फोन उठा के ना तोड़ दूंगा यहाँ पे, इधर दे फोन अपना, करेगी आज के बाद ब्लैकमेल? इधर देख के बात कर, इधर इधर ऊपर कर, यहाँ खड़ा हूँ मैं, करेगी? नहीं आज के बाद करा है ना, अंकल जी इनके माता पिता का नंबर कहीं से जुगाड़ कर लेना, अगली बारी आपको इनके माता पिता को यहाँ पे बुलाऊंगा और उनको बताऊंगा कि आपकी बेटी यहाँ पे क्या करतूतें कर रही है, समझ आ रही है? वो तो नहीं, वो जानते ही नहीं। अरे मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि उनकी बेटी कैसी है, वो देख सामने देख रही है, देख रही है, जहर देके मारने की बात करिए, समझ आ रही है? वो मैं बताऊंगा, बेशरम लड़की। नहीं शर्म नहीं है, अफसोस तो गया, ऐसी तैसी कराने कोई कोई शर्म ही नहीं है बहन, चूतिया हो क्या, दिमाग में बुद्धि नहीं है, बुद्धि खराब हो गई है क्या तुम्हारी, है? वीडियो डिलीट कर दो, मैं ही करूंगा। नहीं कर रहा, क्या करेगी इसको सबूत के तौर पर? नहीं 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 कर रहा, क्या करेगी इसको सुधारने दो। ये ना तू जिनको वो करती है ना, ओए हाथ नहीं, अच्छा बाबा जी, पापा जी मना करो उनको, उनको बोलो ऐसा, इसको मना कर दो। ना 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 सुनो क्या बोल रही है, घर की बात है। हां हां जी, दो घर की बात हो गई जी। नहीं नहीं हो गई, हो गई जी, घर की बात होगी, घर पे कर लेना, मेरा जो काम था मैंने कर लिया, निकलो यहाँ से, सुन ले मेरी बात, ओए मना करो, मैं क्या कह रहा हूँ, सबूत के तौर पर रहेगा, ओए इधर इधर बात कर, वहाँ बात करेगी कुछ नहीं होगा, अगली बारी हरकत हो गई ना क्या क्या होगा तेरे को नहीं पता, तो ध्यान रखियो, इज्जतदार बनियो, समझ आ रही है, अपने पिता की तरह समझ के ना इनकी इज्जत कर, अगली बारी इज्जत, सुनो अंकल, अगली बारी इज्जत नहीं हुई ना, मैं तेरी इतनी इज्जत बनवा दूंगा ना इस वाले पार्क में, सुन इस वाले पार्क में मैं तेरी इतनी इज्जत करवाऊंगा ना, इतनी इज्जत तूने कभी देखी नहीं होगी ना अपने लिए सोची होगी, सुनाई दे रहा है तेरे को, सुनाई दे रहा है, ये समझाऊं तेरे को, तमीज में रहियो आज के बाद, खड़ी हो, निकल यहाँ से, आएंगे वो अपने आप, देख रखा उन्होंने रास्ता, तू नहीं लेके आई उनको यहाँ पे, अपने आप आए वो चल के। तो भाई प्लीज मैं आपको यही बोलूँगा कि आपके घर में कोई भी बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो ना यार, तक आप कभी किसी के साथ तमीज़ में बात करोगे ना तो आपसे भी कोई तमीज़, देखो आप जिसको इज्जत दोगे ना वही आपको बदले में इज्जत देगा, तो ऐसा मत करो अपने माता पिता की, कोई भी हो यार शादी करके जा रहे हो तो आप उनको, जब वो आपको अपने आप अपनी बेटी समझते हो तो फिर उनका भी यही फ़र्ज़ बनता है कि वो आपकी इज्जत करे, हमारी इज्जत करे, ठीक है? तो प्लीज़ इस सोशल मैसेज को आप एक अच्छे वे में लेके अपने पास रखना, ना कि किसी नेगेटिव वे में रखना। नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, हमारी फैमिली में जब आप ज्वाइन करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहना, अपने छोटा भाई समझ के प्यार देते रहना। बाकी मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।